सिंगरौली के जियावन से थाने से 50 मीटर दूर पर चल रहा है धड़ल्ले के साथ अवैध रेत का कारोबार। बताया जा रहा है कि अवैध कारोबारियों का हौसला इतना बुलंद है कि आए दिन पशु हो या फिर मनुष्य, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, रेत माफियाएं उन्हें कुचल कर चले जाते हैं। रेत माफियाओं के द्वारा उनके रोनते हुए चल रहे हैं। वहीं अवैध रेत लेकर ट्रैक्टर ड्राइवर आखिर कब होगी इन पर कार्यवाही? खनिज विभाग के अधिकारी दिख रहे हैं मौन नाक के तले चल रहा है धड़ल्ले से अवैध रेत का कारोबार। बताया जाता है कि आखिर कब तक चलेगा रेत का कारोबार? ट्रैक्टरों की ना तो नंबर प्लेट है और ना ही ड्राइवरों के लाइसेंस है, फिर भी धड़ल्ले के साथ सुबह हो या शाम रेत का कारोबार चल रहा है। बताया भी जाता है कि अवैध कारोबार करने वाले रेत माफिया को संरक्षण नेताओं के द्वारा भी प्राप्त है, वरना क्या मजा कि जियावन थाना से 50 मीटर दूर के निकट होकर इस तरह से खुलेआम अवैध रेत का कारोबार चल सके। सूत्रों का कहना है कि जियावन क्षेत्र में एसडीओपी व निरीक्षक बैठते हैं, इसके बावजूद भी रेत का अवैध कारोबार जिस तेजी से बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। वहीं रेत के इस पूरे गोरख धंधे के कारण रेत का कारोबार कर सहकार ग्लोबल को हर महीने लाख रुपए की चपत लग रही है। बताया जाता है कि जियावन पुलिस की संरक्षण में अवैध रेत का कारोबार तो चल ही रहा है, इसके साथ ही साथ इलाके की युवा पीढ़ी ड्रग्स की चपेट में आ रही है। जियावन थाना क्षेत्र में ड्रग्स हीरोइन का कारोबार भी बड़ी तेजी से फैल रहा है।